वेरी गुड मॉर्निंग अगेन गाइज। अभी हम हैं पारासर लेक के पास में, एक जगह है और बहुत शानदार जगह है। कल हमने रात को यहीं पे कैंप किया था, बहुत अच्छी नींद आई, बहुत अच्छा था सब कुछ। बिल्कुल हाइट पे हम टॉप पे, यहाँ से ना सब इधर की सारी रेंजेस दिखती हैं पूरी, ये उधर देखो उधर, तब वहां से कहीं से हम गाड़ी लेके आए थे। बहुत अच्छी जगह है, मजा आ गया। मतलब बिल्कुल यहाँ पे कोई नहीं है हमारे अलावा, सब लोग अपने काम में, इधर कोई कुछ कर रहा है, उधर खाने के लिए कुछ बना रहे हैं सब लोग। ड्रोन शॉट से आपको आइडिया भी लग गया होगा हम किस लोकेशन पे हैं। वीडियो में बने रहो, कल की वीडियो हो सकता है आपको अच्छी लगी हो। इस रोड से हम लोग आए ना, उधर कहीं से वो रोड जा रहा है, हालांकि पारासर लेक उधर है, मैं आपको दिखाऊं वहां पे। ये जो उधर दिख रहा है ये रोड मंडी से आ रहा है और हम लोग इससे नहीं आए, हम लोग उधर से कहीं से आए। आरसा चेक पोस्ट आती है एक, वहां से चढ़ के भाई ऑफ रोड करने का जिसका भी मन है ना, और एक्सट्रीम डेंजर रोड देखना है एक बार। व्हील ड्राइव गाड़ी लेके आए, सारी आ गई मजे में। मतलब एक दो जगह स्ट्रगल हुआ था बट मस्त आई है चल के। धुआं धाड़ मचा रखे हैं सबने। हेलो दानिश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बढ़िया। नींद कैसी आई रात को? नींद एक नंबर आई, बस फराटे ने परेशान कर दिया। फराटे किसके से बता दो तो फिर भी। इधर पाजी। अच्छा सरप्पा जी, ये क्या इल्जाम लगा रहा है तुम्हारे ऊपर? क्या जी, खराटे ने परेशान किया मेरे को? वो भी कोई पंडित जी, कोई कोई मारता है, कोई बात नहीं, पता लगना चाहिए ये सारे सो रहे हैं। नहीं यार, वो पता है लोग तो ये कह रहे हैं कि यार सब तो कंटिन्यू चल रहे थे, पर पाजी कैसा था बीच में, शांत एकदम शांति, फिर एकदम से उठेंगे। टर्बो सिटी मारता है तुम्हारा, टर्बो चेक करवाओ। हेलो मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बढ़िया एकदम। क्या कर रहे हो? खाना बना रहे हैं, ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। अरे पंडित जी, तुम्हारी शिकायत चल रही है यार, पड़ोसी पूरे परेशान थे तुमसे। देखो हमारे खराटे जाते थे, ऐसे ही रहेंगे दुनिया परेशान। नहीं तो यार ये नहीं, आपकी वजह से कोई परेशान हो ये भी तो गलत बात है ना भाई साहब, नाक भी तो बंद नहीं करके सो सकते। की तैयारी हो रही है? ओ भाई पूरा माहौल बना दिया, बिल्कुल ज्यादा मंडा नहीं थोड़ी जल्दी। क्या बना दिया? मैगी बनाई भाई। गजब, सही है। जहर उतार रखा रात वाले। यार वहाँ पे कैंप साइट से मैं नीचे आ गया, पानी दोबारा से ख़त्म हो गया, पानी लेना है और फिर हम कुछ खाने वाने के लिए बनाएंगे। सूप भी बनाया था मैंने, टाइम लैप्स पे लग रहा था, रिकॉर्ड नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक ही पॉइंट में हम यहाँ से जा नहीं रहे, और रात को जो रास्ता जिस रास्ते से हम गए तो वही रास्ता है ये, देखो पूरा मज़ेदार है। यहाँ से फील आ जाएगा कैसा है कैसा नहीं है। टू व्हील ड्राइव गाड़ियाँ भी कोई दिक्कत नहीं करती ऐसी, मतलब अगर आप सही से चला लो तो। गजब की शांति है यार, यहाँ पे कोई नहीं है दूर दूर तक, आराम से बैठे रहो मज़े में। ब्रेड, अंडे, पानी, कोल्ड ड्रिंक, ये चीज़ें हमको लेके चलनी है। ये देखो भाई, वाह 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 वाह, खतरनाक ही रास्ता है, जबरदस्त, पूरा कटा हुआ है, मिट्टी मिट्टी सब कटी हुई है, बर्फ मेल्ट हुई है ना अभी, उसकी वजह से व्यूज बढ़ेगा सबके हैं, बट व्यूज तो यहाँ पे खतरनाक है। पोल्यूशन तो है नहीं, ऑक्सीजन लो दबा के, पूरा बम है रोड भाई। हम नीचे आए थे भाई परासर के पास में, तो यहाँ तो हमारा सामान मिला नहीं, तो यहाँ से 12 किलोमीटर आगे कोई जगह बता रहे हैं। कौन सी जगह बताई थी वो? दुकान वकान आती है 10-12 किलोमीटर आगे, होके वहाँ मिल जाएगा आपको, एक अच्छा सामान मिल जाएगा। अच्छा चलो यार, ये तो ध्यान ही रखो, अगर यहाँ कैंपिंग करने आ रहे हो तो ऐसा हो भी जाता है यार, कई बार सामान खत्म भी हो जाता है, तो यहाँ परासर के ऊपर डिपेंड हो गए तो मत ही आना। और हमारी कैंप साइड भाई आपको बताऊं मैं, वहाँ पे सामने वो पीक है ना उधर वाला, ये नेचुरल वाटर कोई मिल जाए अच्छा सा, मतलब कल जहाँ से हम भर के ले गए थे ना यार, पहले भी हमने वहाँ से भरा था तो वहाँ पे हल्की सी मिट्टी आ रही थी, उसमें मिट्टी थी, पता नहीं क्या पानी का कलर ही ऐसा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आगे कोई और मिल जाएगी तो वो बढ़िया रहेगा ना, साफ सुथरा पानी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। कैंपिंग साइड तो बहुत है परासर में यार, एक से एक है। वो ऊपर उस वाले टॉप पे हम लोगों ने कैंप कर रखा है, यहाँ से दिख रही है देखो अपनी कैंप साइड, ये रही, और ये देखो कहाँ पे लगा हुआ है,
उस वाले पहाड़ के बिल्कुल ऊपर, वहां से चल के रोड जाएगा ऐसे और फिर पूरे पहाड़ पे चल के और फिर लास्ट में जाके। ये वाला रोड तो पूरा बना हुआ है ज्वालापुर वाला, तो भाई पतली पट्टी है इसलिए थोड़ा सा हिसाब से चलना पड़ता है। यार ये तो अच्छा सीन ही है, मजेदार जानवर पूरे हैं इसमें फुल पावर। नहीं वो तो और ऊपर है यार, ये तो टावर लग रहा है ना यहाँ पे। तो अभी अब दिखाऊं मैं आपको यार कैंप साइड उस पहाड़ के ऊपर है क्या, मतलब आप समझ में आ रही है हमने कहाँ लगाया यार। देखो अभी हम यहाँ हैं, ये नीचे इधर से ये पूरा एरिया दिखाऊं मैं, ये ज्वालापुर वाला रोड है और वहां पे कहीं हमारी कैंप साइड है। वाह गजब यार, देखो ये दिख रही होगी आपको, ये रही, यहाँ बंदे घूमते हुए दिख रहे हैं अंदर। अरे यार रात को क्या गजब लग रही होगी यहाँ से जब वहाँ देख रहूंगा लगी लाइट है ना। वो यार क्या गजब, पूरे पहाड़ के ऊपर। वाह 9 किलोमीटर आ गए अपन लोग, 9 किलोमीटर आ चुके हैं अपन। हाँ और आगे हो सकता है इसके, मतलब कुछ घर यहाँ है कुछ उधर भी दिख रहे हैं ना वहाँ की तरफ में, वहाँ चल के देखते हैं कि हो सकता है वहाँ पे मिल जाए। रोड बड़ा शानदार है यार, ये पनार से निकल जाओ यहाँ से सीधा, बाकी मंडी से आने के बजाय ना इन रास्तों से आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मतलब मजा ही मजा है फिर। मतलब इस रोड से आओ, मतलब आपको नज़ारे लेने हैं और आराम से आना है मस्ती से, तो इस रोड से आओ। बड़ा सीनिक रोड है, कोई ट्रैफिक भी नहीं है इतना ज़्यादा, मतलब कि प्यारा ट्रैफिक से, मतलब कि प्यारा है, क्या गाड़ी बहुत इक्की दुक्की मिल रही है अभी तक मेरे ख्याल में, 2 गाड़ियाँ मिली है अपने को। हाँ 2 गाड़ी ये आ गए भाई दुकान पे। चलो ये दुकान आ गई, पानी भर गया था, दूध का सोल्यूशन नहीं हुआ, मैं भूल गया। वो गुज्जर लोग हैं ना नीचे, उनसे दूध लेंगे और ताज़ा मिलेगा वहाँ पे बिल्कुल, भैंस का कड़ा हुआ। और अब भरते हैं अपन लोग पानी, बस आगे चलते हैं, सामान यहाँ से तो ले ही लिया, उधर से थोड़ा सा आगे चल के वैसे यहाँ से यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं। ये लग गई गाड़ी, ये जो पटका हुआ है नीचे ये निकालो बोतल एक, ये 20 लीटर की, इसमें भी पानी, इस ये 20 लीटर की इसमें भी पानी भरेंगे। तो वो कह रहा था कि इसमें वहाँ पे वो मिट्टी में डल रहा है ना, मिट्टी से फिर आता है कि वो उसमें ले लो, तो तुम वहाँ बिल्कुल आपका ही सिस्टम है, तो निकल रही है जो निकल जाएगा फिर इसको ले जाएंगे झाड़ लेंगे, मतलब भी काम में लेंगे इसको। हाँ ये तो गाड़ी निकल निकल के जो निकल जाएगी इसको पकड़ा है। और एक ये ले और लिया तू निकाल के इसमें से, जो अभी मैं ये लेके चल रहा हूँ उधर से। हाँ मेन रास्ता तो आ गई है, ये तो चोर रास्ते से चढ़ा है, गोभी के पेड़ों का ध्यान रखना बस। हाँ एक पत्ता भी नहीं टूटना चाहिए। ये लो भाई ये गोभी लगी हुई है, ये सेब के पेड़ है, सेब लग भी रहे हैं यार इनमें छोटे छोटे, अच्छा लग रहे, देखो छोटे छोटे सेब यार, देखो ये लग रहा है एक तो, ये लग रहा है, ये लग रहा है। हाँ और टाइम तो नहीं लगेगा इसमें, ये अब मैं नीचे कैसे आऊँ यार। तू गलत आयो, रास्ता ये चोर रास्ता नहीं है। इधर से आ जाऊँ ना मैं। हाँ। ये लो, अच्छा इसकी कह रहा था सही है कि वहाँ से फिर मिट्टी बिट्टी आती हाँ, और ऐसी मिट्टी तो क्या ही आती होगी, पानी भी टेस्टी होगा यार ये जरूर, कितना नीट एंड क्लीन है यार। बस 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 ठीक है यार, आज देखना बिस्लेरी का पानी। हाँ बिल्कुल बिस्लेरी लग रही है। ये बोतल भर गई और वो भर गया, ये कैंपर रह रहा है, ये जेरी कैन रह रही है, जेरी कैन पानी के लिए, ये भी यूज नहीं करी इसमें कुछ भी। ये लो एक मिनट यही रख दे इसको, ये और ले गया खोल भाई। अच्छा लॉक है इसमें, सही। लो जी भी अब आ गया जेरी कैन का नंबर, इसको ऐसे कर पट कर पट पट में आराम से आ जाएगी तेरी तरफ। हाँ तेरी तरफ, हाँ ऐसे। ये लो भैया हो गया काम, जबी तो कहते भी कुछ खाया कर, चलते हैं, मैं दूसरे रास्ते से आया था। पानी बड़ा मज़ेदार है भाई देखने में, फिर इनको भी भरवा रहा है क्या, गोभी तोड़ रहा है। नेचुरल वाटर सोर्स है, बिल्कुल अंदर से आता है पानी, कोई ग्लेशियर व्लेशियर का ऐसा कुछ नहीं, अंदर से चलते ही रहता है भाई। अरे भाई चलो दुकान पे चले। लकड़ी भी लेनी थी तो यहाँ पे रास्ते में लकड़ियाँ पड़ी हुई है, तो ये भी रख लेते हैं। ये है ना सुन, ये भी बहुत तगड़े जलते हैं भाई, ला रहा हूँ मैं ये देख, प्लास्टिक फेंक के जाते हैं यार लोग।
अरे डिग्गी में है इतनी जगह तो यार। ये लो और लकड़ियाँ, ये ले रखाओ। ये रही ये रही। हाँ हाँ वही तो, जलेंगे भी सही है। ये ले डिग्गी बंद भी हो जाएगी। और आगे चले, आगे देखते हैं कुणाल, आगे भी मिल जाएगा कोई और बढ़िया मिल जाएगी। ये हटानी पड़ेगी ट्रे। चलो क्या ले। हाँ सही कह रहा, ये इधर 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 रख, आगे रखना पड़ेगा भाई छत मत देख के। बस है, अरे वो भी दिख गया, आ जाओ तुम। अरे चल गया तेरे का, इतनी सी बड़ी मजेदार लकड़ी है। लकड़ी भी मजेदार होती है क्या? अरे ऐसे तो वो पड़ी ना, वहां से लिया ना वो उठा के। चल इन तीनों ने उठा ले। अरे तू छोड़, उनको छोड़, कोई मंत्र मंत्र पढ़वा लेंगे यहां पे। मतलब आज ऐसी, अरे रखोगे कहाँ महाराजो, रखोगे कहाँ? ये पानी पी गई होंगी लकड़ियाँ, सूखा है थोड़ी बहुत है, नमी जल जाएगा। पर ये छोटे वाले सब ले चलो। फिजिक्स की तरह दे रहा, फिजिक्स की तरह सामाजिक ज्ञान तरह ले रहा है। बंद करो, बंद छोड़ दे, बड़ा वाला डाल लो। ये देखो भाई फुल लोड। चल भाई अब तो, अब भी रखेगा कहाँ मेरे पास। अरे चल यार तू, ये घर अभी तो रखी एक छोटी सी। अबे रखेगा कहाँ यार, वो दो है फिर दोनों ही लिए। बस 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 कर देंगे। ये देखो भाई इधर लकड़ियां पूरी, हल तो लास्ट में मिली चटक बड़ी पड़ी है। सही है तो फिर यार भेड़क नहीं रहेगी। चलो भाई पहुंचते हैं अब कैंप साइट में। होली सही कह रहा है, होली लोहड़ी एक साथ मनने दो। लो भाई एक बार ना पनीर का और पता करते हैं गुज्जर के गांव में। यहाँ पे ये लोग हैं बकरवाल या भैंस वाले, इनके घर पे कुछ टाइम के लिए रहते हैं ये, यहाँ पे फिर चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दूध है क्या? दूध 3-1 लीटर चाहिए। अभी चाहिए थोड़ी देर बाद। फिर हम तो ऊपर हैं टॉप पे, फिर वापस आना पड़ेगा। पिछली बार भी पनीर लिया था आपसे, यहाँ कैंप किया था हमने। अभी निकाला नहीं है क्या दूध आपने? कितने कितनी देर में निकलेगा? तो हम आज फिर दोबारा पनीर है, पनीर नहीं है, पनीर हो तो पनीर दो दो। पनीर कितना महंगा है? 1 किलो बहुत है, 1 किलो। इतने लोग हैं? 2 किलो दे देना पनीर। ये कुछ घर है भाई अंदर से। परासर में एक चीज तो है, अब देखो ये ताजा पनीर है, बिल्कुल फ्रेश पनीर ये लेके चलेंगे। दूध भी बिल्कुल, तो दूध ताजा है ना, दूध भी ताजा ही है। और ये पनीर लेके चलेंगे, 2 किलो पनीर लेके चल रहे हैं और 3 किलो दूध। यही अभी आपको कितने दिन हो गए आए हुए यहाँ? 1 महीना। 1 महीना हो गया, अभी कितने दिन रहेंगे? 2-3 महीने। 3 महीने और रहेंगे। अच्छा ये भैया अपना पनीर, अच्छा पत्थर से वो वजन कर रखा है पहले ही। आप कहाँ के? कश्मीर के? नहीं नहीं यहाँ गए हम लोग। नहीं वो बड़ा बड़ा वाला हटाओ, परलो के। हाँ ये बड़ा हटाओ। हाँ नहीं 2 किलो 100 ग्राम। ठीक है, कितने का हुआ? इससे कम तो नहीं होगा ना। लो जी पनीर ले लिया, पनीर दिखा सकल ये ताजा, बिल्कुल ताजा है। और ये दूध ले लिया 2 लीटर, अब अपन टेंशन फ्री। और ऊपर भाई लोग हमारे इंतजार में होंगे। ये पनीर आगे रख दे डैशबोर्ड पे। हाँ और ये ले, चल बंद कर दे। मेन टास्क तो अब है ऊपर चढ़ने का, वहां जाना है भाई हमको टॉप पे। और ऑफ रोड है पूरा, और गाड़ी भी लोडेड है पूरी। निकल तो खैर जाएंगे हम धीरे धीरे करके, बहुत बुरा रोड है, देख देख रहे हो ना सामने की हालत भयानक यार। इधर नजारे देखो, वाह क्या बात है, सनसेट होने वाला है बस थोड़ी देर में।
नहीं दे रहा हूँ यार, खतरनाक वाला रास्ता चलते हुए भाई। ये रोड पता है इतना ख़राब भी क्यों होता है? एक तो लोग इसको बहुत कम यूज़ करते हैं, बस एक तो पैराग्लाइडिंग वाले यूज़ कर रहे हैं इसको मेरे ख्याल से, तो क्योंकि और तो गाड़ियाँ बहुत मतलब कि देखी नहीं है मैंने, बहुत कम कोई इक्की दुखी आती है, या फिर कैंपिंग वैम्पिंग किसी को करनी है तो वो लोग यूज़ करते हैं, बाकी टू व्हील ड्राइव गाड़ी के लिए तो ये भाई बहुत ही खतरनाक रास्ता है। फोर व्हील के लिए तो ये है कि ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होता है, निकल जाती है, और बारिशों में तो भाई ये पूरे हालात ख़राब रहते होंगे इसके। भाई हमको काफी देर होगी ना, तो ये देखो सब देखो बैठ के वेट कर रहे हैं, कौन कहाँ है कैसे क्या, अभी चलो पहुंच रहे। ये देखो गाड़ी दिखी होगी उनको, सब देख रहे हैं गाड़ी को, काफी देर होगी ना हमको गए हुए, तो हमको टाइम लग गया यार, लकड़ियां ली और ये सारी चीजें ली तो इसलिए टाइम लग गया, और अब गाड़ी लोड में बहुत स्लो चलानी पड़ रही है हमको, आगे से टिकने का काफी डर है यार यहाँ पे, निकल गई क्योंकि अब डाउन हो रखी है गाड़ी, तो इसलिए आगे से टिकने का काफी डर है। ये आगे अपने टॉप का रोड, रोड तो नहीं है मतलब रास्ता रोड तो क्या ही कहें, आप चल रहे हैं तो इसको रोड ही कह लेते हैं और तो क्या कहें। देखो तो यार कितना मतलब कि अंटसंट है, ज्यादा ही खतरनाक गाड़ी पूरे लोड में भाई, आराम से जाएगी आराम से, रोड के नाम पे रास्ता है, रास्ते के नाम पे मजाक है। हकीकत तो ये है, कई अलझेड़ी होते हैं हमारे जैसे, वो आ भी जाते हैं। ये देखो भाई हम लोग पहुंच गए अब अपने पॉइंट पे, पानी के इंतजार, दूध निकाल ले, पनीर निकाल ले, ये तो है मखाने लो खाओ, पानी ऐसा लाए भाई नीट एंड क्लीन। अभी तो माल पूरा लेके आए हैं हम, अब जो भी करो जो कुछ भी करे इसलिए हम लिया है अभी, फिर बाद में दिक्कत होती है। ठहरना होगा तो पता रेस्ट हाउस में जाना है, कहाँ पे नहीं तो परे कृष्णा कैंपिंग है। अब देखो एक बार अब सेटअप कितना हटाएंगे फिर कब लगाएंगे, रात होने को है। एक इस गाड़ी में बेड सेट लगा हुआ है इसमें, बाकी कैंपिंग लगी हुई है, वही तो बता रहे थे कैंपिंग है। हाँ नहीं नहीं उसी पॉइंट पे नहीं, सॉरी यहाँ से जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से, अब यारों साहब से बात हुई मेरी जस्ट, और उनसे भी मेरी बात हुई। अब सुबह तो हम निकल ही जाएंगे, रात रात की बात है भाई, सारी गंदगी वगैरह ना देखो हम खुद साइड लेके लोग हैं। हां कल शाम को, हां शाम करके नहीं जाएंगे, थोड़ा सा हम खुद इन चीजों का ध्यान रख रहे हैं भैया, बहुत नहीं मन नहीं बहुत चीजें सोच के चलते हैं। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, आप अपनी जगह सही हो भैया, एक्चुअली क्या है अब ये हटाएंगे ना सेटअप, हम 3 मिनट हो जाएंगे, हम खाना बना लेते हैं, अब आपकी अगर इच्छा करे तो भाई हम चले जाएं, अगर आप आपकी मर्जी, अगर आप कहोगे तो भाई जाएंगे ही जाएंगे। भैया सुनो सुनो हां जी भाई जी, देखो मैं बताऊं नाम ड्रिंक करते हैं, मेरी बात समझ नहीं, मैं जो कहना चाहूंगा ड्रिंक तो नहीं आ चलते है प्राशन देख के, ये धार्मिक स्थल है कोई, वही बता रहा हूं नाम ड्रिंक करते हैं भैया, हम खाना बनाएंगे बस, रात को सोएंगे सुबह निकल जाएंगे, मौसम तो अगर आप दारू ऊपर ले जाएंगे तो आसमानी बिजली पड़ जाएगी, खत्म वहीं पे ऑन द स्पॉट। आप है मंदिर ज्वालापुर एरिया, ये पूरा ही पड़ा ये तो हमारा। अच्छा ये ये मेयर इलाका बोलते हैं, मेयर वैली। हां हां ओके भैया थैंक यू। आग ये पहले लगा दी थी बट हमारे पास ये भी रखा था, इसकी सीख भूला है, और ये अपन ने लिया था एडवेंचर हट से, काफी सही चीज है, एक छोटे से बैग में आ जाती है। अभी उधर पकौड़िया बन रही है पीछे, क्या बना दिया भाई, भाई देश पकौड़े तैयार कर रहे हैं, कहीं कहीं के ये बेसन था, ये आटो का मिक्स आता गोल उसका बेसन का, और ये है पनीर, बेसन का नहीं दाल का होगा, ये दाल का होगा, हम पता नहीं खा के टेस्ट नहीं करेंगे, तो दाल का ही होता है, और ये पनीर का। अरे भाई माहौल बना दिया मतलब तुमने, माहौल बन गया फुल पावर, खिलाओ 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 भाई खिलाओ लो भाई लो। देखो वहाँ पे तो भाई नीचे ग्राउंड पे ही लग रही है आग, और यहाँ पे इसमें लग रही है, तो मेरे को तो भाई ये मतलब एक तो इसमें ना नीचे से ऑक्सीजन बढ़िया से लग रही है वहाँ, मतलब ठीक है लग तो वहाँ भी आग ही रही है आग यहाँ पे, पर यहाँ पे एक फील आ रहा है, और बहुत सही चीज़ लगी, सीक वीक लगा के कुछ भी आप, हाँ जो भी कबाब फबाब बनाओ, सीक कबाब ही बनते हैं क्या यार, मतलब सीक में पनीर भी लगता है, और सीक में तो बहुत सारी चीज़ें बना लो, कुछ भी बना लो, मतलब एक्स वाई जेड, मतलब सीक होती तो सीक के कट भी है इसमें, एडवेंचर हट से ले सकते हो, नंबर नीचे आ रहा होगा, और वो उधर ओनिंग रूम है वो सुबह दिखाऊंगा आपको पूरा कम्प्लीट। बहुत सही चीज़ लगी यार ये तो, ये मेरे को काफ़ी प्रैक्टिकल लगी, और अनफोल्ड हो गया ना बिल्कुल छोटे से एक बैग में आ जाती है, कहीं भी गाड़ी में चिपका दो चुपचाप से, मैटिंग के नीचे ही रख दो पता भी नहीं चलेगा।
सकते हैं। टेस्टी है। फिर खाना वाना तो खा लिया हमने, अभी वहाँ सब लोग बैठे हैं। 1:30 बजे अभी रात का, और बाकी कुछ लोग तो सो गए। एक गाड़ी हमारी अलवर चली गई, उनको कोई काम आ गया था, तो अभी दो गाड़ियाँ चली गई यहाँ से, एक पंजाब वाली भी चली गई। ये गाड़ी रुकी हुई रेस्टर और हमारी है, कुछ लोग इसमें सोए हुए हैं। ये अभी खा लिए, यहाँ भी सोएंगे। कुछ सो गए लोग, कुछ लोग बैठे हैं। आग लगी हुई है, बिल्कुल टॉप पे हैं हम भाई। ये पीछे देख रहे हो, लाइटें दिख रही हैं छोटी 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 छोटी। ये सब नीचे हैं और हम पूरे टॉप में हैं। कुछ गाड़ियाँ इधर खड़ी हैं, कुछ उधर खड़ी हैं, टेंट लगे हुए हैं। वाह, गजब की फीलिंग। चलो फिर अभी मैं सोने जाएंगे तो फिर।